बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 150 मिनट और शुगर से हमेशा के लिए निजात। खाने के फौरी बाद चहलकदमी, ज़ैबतीस जैसे जानलेवा मर्ज का ख़तरा ड्रामाई हद तक कम कर देता है। ये बात न्यूजीलैंड में होने वाली एक तिबी तहकीक में सामने आई। ओटागो यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक खाने के फौरी बाद 10 मिनट की चहलकदमी ज़ैबतीस टाइप 2 का ख़तरा 26% कम कर देता है। तहकीक में ये बात सामने आई कि खाने के बाद चहलकदमी ब्लड शुगर की सतह में ड्रामाई कमी लाती है। तहकीक के दौरान इस मर्ज का शिकार अफराद को रोज़ाना आधा घंटे की चहलकदमी की हिदायत की, जबकि सेहतमंद अफराद को दिन में 3 बार हर खाने के 5 मिनट बाद 10-10 मिनट की वॉक का कहा गया। नतीजे से मालूम हुआ कि खाने के बाद ये जिस्मानी सरगर्मी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और ब्लड शुगर लेवल को नुमाया हद तक कम करती है। मुहक्किकीन का कहना है कि इस आदत के नतीजे में ब्लड शुगर लेवल में कमी आती है, जिससे ग़िज़ा में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म में जज़ब होता है, जो कि इंसान को सुस्त करता है। दूसरी जानब यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक अलग तहकीक में ये बात सामने आई कि हर हफ्ते 150 मिनट की वर्जिश ज़ैबतीस जैसे मर्ज़ का ख़तरा काफ़ी हद तक कम कर देती है।